नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैडी क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में पहला क्वेश्चन है, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। तो इसमें 10% प्रत्येक वर्ष कम हो रहा है, तो कैसे करेंगे? दो वर्ष में कम हुआ है, तो पहले जैसे हमने मान ली 100 से 10% कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 90। अब 90 में 10% कम करेंगे, जैसे 100 का 10% तो कितने हो जाएगा? 10। तो 10 कम करने हैं तो 90 हो जाएंगे। अब 90 का 10% कम करना है, तो 90 का 10% निकालेंगे तो 90 × 10/100, अब ये कितने हो जाएंगे? 9। तो 9 घटाने पड़ेंगे, अब कितने हो जाएंगे? 81। अब एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। तो वर्तमान से 2 वर्ष पहले की पूछी है, तो अगर हम इसको वर्तमान माने तो 2 वर्ष पहले की ये वाली होगी 100। अगर हम इसको मान लें वर्तमान की, 2 वर्ष पहले की, इससे पहले ही निकालनी पड़ेगी, तो इसके पहले की मालूम नहीं है, तो इसको वर्तमान मानेंगे 81 को, तो ये वर्तमान हो जाएगी। इसके 2 वर्ष पहले की कितनी हो जाएगी? 100। तो इसमें 8100 मान है, 8100 वैल्यू कितने की है? 8100 मान कितने का है? ये वर्तमान का है, तो वर्तमान का मूल्य है 8100, और वर्तमान का हम कितने मान रहे हैं? 81। तो 81 का मान हो जाएगा, और निकालना कितने का है? तो 2 वर्ष पहले की संपत्ति, 2 वर्ष पहले की कितनी है? 100। तो 100 से गुणा करते हैं, कितने बच जाएंगे? ये 100 और ये 10,000 हो जाएंगे। तो 10,000 हो जाएंगे टोटल मान, तो ये आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन अगला है। अब अगर दूसरे तरीके से करें, जैसे 10% है, 10% कम हो रही है, तो 10% बराबर कितने होते हैं? 10% बराबर 1/10, तो 10 से 9 हो जाएगी, कम हो रही है तो 10 से हो जाएगी 9, और दूसरी वर्ष में भी 10 से 9, तो गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 10 से 10 करेंगे 100, और 9 से 9 81। अब ये अगर 81 है वर्तमान की, तो 2 वर्ष पहले की कितनी हो जाएगी? 100। तो 81 मान हो जाएगा, कितने दिए हैं? 8100 मान कितने का हो जाएगा? 81 का, और निकालना है 100 का 2 वर्ष पहले का, 100 का, तो ये ऐसे निकल आएगा 10,000, तो ऐसे मान निकल आएगा। तो दोनों तरीका है सेम तरीका, सही तरीका है दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम तरीके से, एक क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या है 10,000, तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी, कितनी है? तो 25% की दर से बढ़ती है। अब 25% बराबर कितनी होती है? 25% बराबर 1/4, तो 25% बढ़ती है, तो कितनी हो जाएगी? 4 से 5, ऊपर वाली जोड़ देंगे, ऊपर वाली 4 में 1 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 5, तो 4 से 5, और 3 वर्ष में तो 4 से 5 और 4 से 5, तो 3 बार करेंगे 4 से 5 4 से 5 और 4 से 5। तो ये है 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या है 10,000। तो अगर ये वाली माने 3 वर्ष के बाद की संख्या आई है, तो 3 वर्ष पहले की ये वाली होगी, तो 3 वर्ष बाद का मान दिया है मैं 10,000। 10,000 मान कितने का है? ये है 3 वर्ष बाद का, 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या, तो 3 वर्ष के बाद की ये, इनका गुणा करेंगे पूरा, तो 4 चक 16 16 चक 64, 25 25 25 125। तो अब हमें निकालना है ये मान कितने का है? 125 का, और निकालना कितने का हमें? 3 साल पहले का, तो 64 का निकालना है, तो कितने हो जाएंगे? ये जाएंगे, ये 512 आ जाएंगे, इसमें ये 8 बार कटेंगे, ये 125 से 80, और ये 0, 8 चौक 32,
8 6 48 10 51, तो 5120, तो ये आंसर आएगा। 125 से 1000 कटाएंगे 8 बार और ये 1 0, अब गुणा कर लेंगे तो 5120 आंसर आ जाएगा। तो 3 वर्ष पहले की हो जाएगी जनसंख्या 5120। और सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 रुपये था, तो 2006 में उसका वेतन क्या था यदि वार्षिक वृद्धि दर 10% हो। तो 10% हो, अब 10% बराबर कितने हो जाएंगे, 10% बराबर 1/10। 2007 में वार्षिक वेतन इतना है और 2006 में उसका वेतन क्या था, तो एक साल में कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, तो 10 से कितनी हो जाएगी 11। तो 2007 में उसका वेतन इतना है और 2006 में उसका वेतन कितना है ये निकालना है। तो अगर ये माने 2006 की, तो ये 2007 की हो जाएगी 2007, तो ये 2007 का मान है, 2006 का मान 10 है। अब हमें 2007 का मान कितना दिया है, 8,80,000, 8 8 2 5 2 2 4 4 0 है, तो ये मान कितने का है, ये है 2007 में वार्षिक वेतन, 2007 में कितना है 11। अब निकालना कितने का है, 2006 का, 2006 का 10 है, तो 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। अब 11 से काटेंगे कितने बार, 8 बार और 4 0, और ये कितने हैं 10 है, तो 8 पे कितनी हो जाएंगी, 8 पे 4 0 और 1 0, 5 0, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएंगे 8 लाख। तो 8 लाख हो जाएगा 2006 में, तो 2006 का मान हो जाएगा 8 लाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी औजार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है, तो 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितने प्रतिशत कम होगा। तो इसमें 20% घटता है, 20% बराबर कितनी होगी, 20% बराबर 1/5, तो 20% प्रतिवर्ष घटता है, तो 5 से कितनी रह जाएगी, 5 से 4। और 3 वर्ष की देखनी है हमें, किसी औजार का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है, तो 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितने प्रतिशत कम होगा। 3 वर्ष के बाद देखना है, तो 5 से 4, दूसरे वर्ष में भी 5 से 4 और तीसरे वर्ष में भी 5 से 4, अब कितने हो जाएंगे, 5 से 5 25, 25 5 125, 1 2 5, और ये 4 6 16 16 6 64, 64 हो गए। अब देखेंगे कितना कम है, कितनी घट गई, 125 से 64 है, तो 36 इधर है और 36 और 25, तो 36 और 25 कितने हो जाएंगे, ये 1 3 4 5 6 61, तो 61 कम हो गए यहाँ पे, तो 61 कितने पे कम हुए हैं हमारे, 125 पे, तो 125 है, 1 2 5, परसेंट निकालनी तो गुणा में 100 125 125 मूल संख्या है, 125 पे तो घटे हैं, 61 घटे हैं, तो कितने हो जाएंगे, ये 5 बार 25 से काटेंगे और ये 4 बार, 4 से गुणा 4 1 4 6 6 24 5, अब बात करेंगे कितने आ जाएंगे, 5 6 20 और ये 5 8 40 0.4 के बाद 0 5 8 40, तो इतनी परसेंट आ जाएगी 48.8। तो इतने परसेंट की औजार का मूल्य में प्रतिशत कमी हो जाएगी 48.8% की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1975 में एक क्लर्क का वार्षिक वेतन 3660 रुपये था, यह वेतन 1974 के वार्षिक वेतन से 20% अधिक था, तो 1974 में उसका वेतन कितना था। तो इसमें है 1975 में एक क्लर्क का वार्षिक वेतन 3660 रुपये था, 1975 में 3660, यह वेतन 1974 के वार्षिक वेतन से 20% अधिक था, 1974 के वार्षिक वेतन से 20% अधिक था, तो ये 20% अधिक है,
तो ये तो वैल्यू कम होगी थोड़ी सी, 20% इससे अधिक है ये, तो ये मान कितने का होगा, 36, 60, ये मान कितने का हो जाएगा, पूरी संख्या कितनी होती है हमारी, 100% होती है, 20% बढ़ी है उसमें, तो ये हो जाएगी 120% की, तो 120% की होगी 120, और ये 100% होता है हमारा, तो 100% का मान निकाल लेंगे, कितने हो जाएंगे ये 6 बार और ये 50, 6 × 36, 6 × 6, और ये गुणा कर देंगे कितने हो जाएंगे 0, 5 × 5, 5 × 30, तो 30 50 आंसर हो जाएगा, 3050 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, जब पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है तथा दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है, तो अब नया अनुपात क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें दिए है 4:5 है, तो 4:5 है, तो इसमें क्या करेंगे, ये अनुपात ही तो हमारे, तो अनुपात में हम 0 लगा लेंगे साथ में, जब 0 0 काटेंगे तो अनुपात वही निकलेंगे 4:5, तो इसमें 0 लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। जब पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है, अब जैसे हम इसको 20% बढ़ा दें, 20% बढ़ाएंगे 10% कितनी होगी, 0.1 बढ़ाएंगे, अगर वैसे निकालें तो 400 × 20/100, 0 से 0 4 × 2 = 8, तो 80 हो जाएगी, तो 80 बढ़ाने हमें, तो 480 हो जाएंगे ये 480, अगर वैसे निकालें तो कैसे निकालेंगे, 10% होगी 40, उसका दोगुना कर देंगे, 20% निकालनी है तो 40 का दोगुना 80। अब इसका निकालना है, अब इसको कैसे करना है, दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है, इसका 20% हमें घटाना है, तो 10% कितनी होगी 50 और 20% 100, तो 100 घटानी है 500 में से, तो इसकी हमें 20% घटानी है, ये वाली घटानी है, ये वाली बढ़ाई थी, तो 20% कितनी घटानी है 100, तो कितनी हो जाएगी 400। अब इन दोनों संख्या का अनुपात निकालने हैं, तो 0 से 0 4 से काटेंगे, 4 × 4 4 × 2 = 8, अनुपात 4 × 40, अब ये भी कट जाएंगे 6 बार और ये 5 बार, तो 6:5, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक टेलीविजन सेट पर बिक्री कर 7.5% से बढ़कर 8% कर दिया जाता है, तो 19,000 रुपये के टेलीविजन के लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी होगी, तो जैसे पहले हम कितने दे रहे थे, 7.5%, 7.5% दे रहे थे पहले कर, अब दे रहे हैं 8%, 7.5 से कितनी होगी 8%, तो कितनी परसेंट बढ़ गई, आधी परसेंट, 1/2%, 1/2% पहले से बढ़ गई, तो अब 19,000 पे 1/2% लगेगी अधिक, तो 19,000 का 1/2% निकाल लेंगे, 1/2% तो 100, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितने हो जाएंगे 95, तो 95 आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें 7.5% से 8% हो गई, तो कितने परसेंट बढ़ गई, आधी परसेंट, तो आधी परसेंट निकाल देंगे बस उसका। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 30% आयकर भुगतान करता है, इस कर पर उसे 10% अतिरिक्त अधिभार देना पड़ता है, तो कुल कर की दर क्या है, अब इसमें 30% आयकर भुगतान करता है, अब पहले लग रही थी उसमें 30% लग रही थी इसमें आयकर, अब इस पर उसे 10% अतिरिक्त है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, तो 30 का 10%, अब 30 का 10% कैसे निकालेंगे, 30 का 10%, 30 का 10% बट्टे 100, तो 0 से 0, तो ये हो जाएंगे 3, तो इसमें 3 और लगेंगे, तो प्लस 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 33, तो 33% लग जाएगी कुल कर, कुल कर की दर हो जाएगी 33%, तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें 30% तो पहली लग रही है
और 10% अतिरिक्त लगाना है बस 30 में, 30 में अतिरिक्त लगाएंगे 10% कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट बढ़ा देते हैं तो 3 हो जाएगी, 3 जोड़ देंगे बस 33% हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों एक्स तथा वाई का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। अब इसमें है व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर के में दोनों चरों एक्स तथा वाई का मान 20% कम हो जाता है। अब 20% की कितनी होती है, 20% बराबर 1/5। अब ये तो याद हो गई होगी थोड़ी थोड़ी, तो 20% होगी 1/5। अब इसमें एक्स वाई स्क्वायर ये व्यंजक है, एक्स वाई स्क्वायर, अब इसमें एक्स तो एक बार है और वाई है दो बार, तो इसमें कैसे करना है, दोनों ही 20% के हिसाब से करनी है हमें, तो 20% के हिसाब से कम करनी है। तो एक्स तो एक बार है, एक्स के लिए करेंगे एक बार और वाई के लिए दो बार, तो 20% कम कर रहे हैं तो 5 से कितनी हो जाएगी, 4, 5 से हो जाएगी 4। तो एक्स के लिए करेंगे तो एक बार करनी है तो 5 से 4, अब वाई के लिए दो बार करनी है तो फिर दोबारा 5 से 4 और ये 5 से 4, दोनों ही 20% दिए दोनों के लिए, अब कितने हो जाएंगे ये गुणा करेंगे तो 25 25, 25 125, और ये 4 16, 16 64, 64। अब ये कितने कम हो गए, कितने परसेंट कम है ये निकालनी है हमें, तो कितनी कम है, 61 कम है, अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले 61, 125 में से 64 घटाएंगे तो 61 बचेंगे, तो 61, और कितने पे कम है, 125 पे, तो 125 गुणा 100 परसेंट निकाल लेते, गुणा 100 ही करना है बस, तो 125 से कम हुई है 61, तो 61 बटे 125 गुणा 100, तो कितने हो जाएंगे 5 बार और ये 4 बार, 4 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 4 6 24 बटे 5, 5 6 20 48.8, इतनी परसेंट हो जाएगी, इसका भी आंसर यही हो जाएगा 48.8%, तो ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और उनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं, यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं। अब इसमें बोला है एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है, तो जैसे 100% होंगे, 100% तो पूरे हैं, 100% हम लेके चलेंगे तो 100% पूरे कर्मचारी हैं, तो इसमें 60% कर्मचारी की उम्र है 30 वर्ष से अधिक, तो इसकी 60% है, 60% इसकी है 30 वर्ष से अधिक, तो अधिक वाले ये अधिक वाले, तो 30 वर्ष से अधिक वाले तो ये है। अब 30 वर्ष से कम वाले कौन से होंगे, 100 में से 60 घटा देंगे 40, तो ये हो गए 30 वर्ष से कम वाले। अब और उनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं, अभी ये जो 60% निकले हैं उनमें से 75% पुरुष हैं, 75% इसके 75% पुरुष हैं, तो 60 के 75 कितने हो जाएंगे, 60 के 75%, 60 के 75% है, 75% है तो 3/100, तो 3 4, अब ये 4 से 15 बार, 15 43 45, तो ये 45 हो जाएंगे, 60 के कितने 75% 45, और ये बचे कितने 15, 60% के 75% निकाल लेते, 75% हो जाएंगे 45, तो ये 45 और ये 15। अब इसमें यदि 1375% पुरुष हैं, ये है मेल और ये फीमेल, यह तो 1350 पुरुष हैं, तो पुरुष की संख्या दी है हमें, 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है, ये ऊपर वाली है ये मेल है, तो कितने हैं 1350,
तो 1350 कितने का मान दिया है, 45 का, 45। अब निकालना कितने का है, फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी थे, फैक्ट्री में कितने कुल कर्मचारी थे, 100% तो 100 का मान निकाल लेंगे। तो ये कितने बार जाएंगे, ये 3 बार, 36 बार 0, और ये 3 पे 3 0, तो ये हो जाएंगे कुल कर्मचारी, तो ये आंसर हो जाएगा। सिंपल ही है, जैसे हम 100% पहले तो लेके चलेंगे, ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। अब इसमें 60% कर्मचारी 30 वर्ष से अधिक हैं, तो 100 के 60% कर्मचारी 30 वर्ष से अधिक हैं, तो ये 30 वर्ष से अधिक हो गए, और बाकी बचे वो 40% हो गए, वो 30 वर्ष से कम। अब इसके हमें दिए हैं 75% पुरुष हैं, इसके 75% पुरुष हैं, तो 75% निकाली हमने, 60 की 75%, 45 आए तो 45, और बाकी बचे वो फीमेल होगी, ये मेल हो गए फीमेल। अब मेल की हमें वैल्यू दी है 1350 है, वो है मेल की वैल्यू, तो 1350 से और 45 का मान हो जाएगा, और हमें पूरे की चाहिए, तो पूरे हम कितने मान के चले थे, 100 का मान निकालना है, बस 3000 आ जाएगा। अब सेम दूसरे तरीका है थोड़ा, एक गांव की जनसंख्या 25000 है, एक गांव की जनसंख्या 25000 है, जनसंख्या में 1/5 महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष हैं, 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हैं, तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। तो इसमें दिए हैं एक गांव की जनसंख्या 25000 है, जनसंख्या का 1/5 महिलाएं हैं, अगर इसमें 100 पूरी लेके चलें, 100% है पूरे, 100 ही मान के चलें, 100 है पूरी टोटल जनसंख्या, इसमें 25000 दिए उसकी कोई वो नहीं है, उसका कोई यूज नहीं करेंगे, जैसे 100 है हमारी पूरी संख्या है 100। अब जनसंख्या की 1/5 महिलाएं हैं, तो इसके 1/5 कितने हो जाएंगे, 20 होगी महिलाएं फीमेल, तो बाकी बच्चे कितने होंगे मेल, 80 हो गए मेल, इसकी 1/5 फीमेल है तो 20 हो गई, बाकी बच्चे वो मेल हो जाएंगे, तो 100 में से 20 कटाएंगे, 80 हो जाएंगे मेल। अब तो शेष पुरुष हैं, 5% पुरुष, तब इसके 5% कितने हो जाएंगे, 10% हो जाएंगे 8, और 5% हो जाएंगे 4, तो 4, 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं, इसकी 40% महिलाएं, तो 40% कितने हो जाएंगे, 10% होंगे 2, एक पॉइंट बढ़ा देते बस, तो 10% हो गए 2, और 40% निकालने तो 4 गुणा कर देंगे, तो 10% 2, और ये हो जाएंगे 8, निरक्षर है, तो इसकी तो 5% है, ये निरक्षर है, निरक्षर, और ये 8 निरक्षर है, तो बाकी बचे कितने बचे, ये 20 में से घटा देंगे 8, तो कितने बचे, 12 हुए साक्षर, और इसमें 80 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे, ये बचेंगे 76 बचे, ये हैं साक्षर हैं। अब इसमें पूछा है तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, अब कितने साक्षर हैं, 12 तो ये हैं और ये हैं 76, तो 76 + 12 कितने हो गए, 12, तो ये हो गए 8, और ये 7 और 1 8, तो 88 हो गए। अब ये टोटल कितने मान के चले थे, 100% और ये 88 हैं साक्षर, तो 88 हमें साक्षर चाहिए, साक्षर का प्रतिशत, तो 100 पूरे लेके चले थे, 100 पे 88 है, तो 100 के 88 है, 88% ही हो जाएगा सीधा, तो 88% साक्षर हो जाएंगे। अगर निरक्षर पूछा जाएगा तो कैसे हो जाएंगे, अब 100 में से 88 घटा देंगे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12% हो जाएंगे निरक्षर। अगर यहाँ से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 8 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो 8 और 4 = 12, 100 के 8 और 4 = 12, 12% हो जाएंगे, तो ये साक्षर का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
40,50 तथा 60 छात्रों का 3 समूह एक परीक्षा में शामिल हुए। उनकी सफलता का प्रतिशत क्रमशः 100,90 तथा 80 है। तीनों समूहों को मिलाकर सफलता का प्रतिशत क्या रहा? ये समझ में आ गया? पहले सिंपल, ये ज़्यादा कठिन नहीं है, अलग अलग डिवाइड कर दिए इसको, और कुछ नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करें। तो इसमें दिया है 40,50 तथा 60 छात्रों का 3 समूह एक परीक्षा में शामिल हुए। तो 40, 50 और 60 छात्रों का 3 समूह है एक परीक्षा में शामिल हुए। उनकी सफलता का प्रतिशत है 100, 90, 80। तो पहली की सफलता का प्रतिशत है, सफलता का परसेंट है, पहले का परसेंट है 100। तो 100% निकालेंगे, तीनों समूहों को मिलाकर सफलता का प्रतिशत कितना है? तो कितने इसके हमें निकालने हैं, 100% है इसका, और इसका निकालना हमें 90, और इसका निकालना है 80। तो कितने हो जाएंगे, 100% निकालेंगे तो 40 कोई संख्या होगी, तो उसका 100% निकालेंगे तो उतना ही हो जाता है। तो 100% पूरी पूरी। अब 90% निकालना है, 50 का 90%, तो 50 का 90% बट्टे 100 ऐसे निकाल लेंगे। 9 पर 45, 45। अब ऐसे सेम करना है यहाँ पे, तो 60 का 80%, परसेंट तो बट्टे 100, तो ये कट जाएंगे, तो 8 6 48, तो ये आ जाएंगे 48। अब इसमें क्या करना है, तीनों समूहों को मिलाकर सफलता का प्रतिशत क्या रहा? तो सफल कितने हैं, 40, 45 और 48, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, पूरा इनका परसेंट निकालना है बस। इतनी कितने हो गए, ये हो गए 40, 80, 120, 120 और 130, 33, 133 हो गए, 133। और टोटल कितने हैं यहाँ पे, यहाँ पे हैं 150, यहाँ पे 150, 150, ये 60 और 40 100 हो जाएंगे, और ये 50 150 हो गए। परसेंट निकालने तो गुणा 100, तो कितने बच जाएंगे, 2 और ये 3, तो जब 2 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 3 दुनी 6, 3 दुनी 6, 2 एक 2 बट्टे 3। अब 3 7 21 24 24 2 बचे, 2 का गुणा 2 6 26, 3 7 21 24, फिर कितने बचे, 2 बचे 2 पे 0, 5 बंदा 6 6 18, तो 88.66 आ जाएगा यहाँ पर, इतनी परसेंट। तो ऐसे निकालना है, पहले क्या करना है, पहले तो ये दिए हैं 40, 50 और 60, और सफलता का परसेंट दिया है 100%, 90% और 80%। अब इसका 100% निकालना है, पहले 40 हो जाएगा, 90% इसका निकालना है तो 45, 80% इसका निकालना है तो 48। अब ये टोटल निकालेंगे, टोटल आ गए 133। अब ये सफलता का प्रतिशत निकालना है, तो ये कितने हो गए, सफल कितने हुए, ये 133, और टोटल कितने थे, टोटल है 150, 150 का निकालना पड़ेगा गुणा 100, परसेंट निकालने तो गुणा 100 करना है, तो ये काटे तो कितने बचे, 88.6%, तो ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं शामिल होती हैं, यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां हैं, तो बॉय हैं 1000 और गर्ल्स हैं 800। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, अब इसमें से 60% लड़के, 60% कितने हो जाएंगे, 600 ये उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण मतलब पास, और ये फेल, तो 600 पास हैं
तो 400 होंगे फिर 400। अब इसमें कैसे है? इसमें है 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। अब 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, 50% कितनी हो जाएगी? 400। 400 उत्तीर्ण है तो 5 है और 400 फेल हो जाएंगे, तो इसके 400 फेल हो जाएंगे आधी। अब तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत, तो अनुत्तीर्ण कितने हैं? 400 यहाँ पे और 400 यहाँ पे, तो 800 हो गए। 800। अब हमें देखनी है टोटल छात्रों का, टोटल कितने हैं? 1000 और 800, तो 1800 हो गए गुणा 100। अब कितने हो जाएंगे ये? इसको काटेंगे 4 बार और ये 9। जब 1/9 होती तो कितने होते? 11 सही, 11 से 1/9 और यहाँ पे 4 है, तो 4 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 44 सही, 4/9 इतनी परसेंट हो जाएगी। नहीं तो गुणा कर लेंगे, 4 से 100 में गुणा करेंगे 400, 9 से भाग कर देंगे तो इतना आ जाएगा, तो इतनी परसेंट आ जाएगी इसकी। दोबारा से देख लेते हैं, पहले इसमें दिया है 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां दी हैं। अब इसमें यदि 60% लड़के, इसके 60% लड़के पास हैं, 60% लड़के 600 हो जाएंगे और बाकी बचे वो फेल हो जाएंगे, तो 400 फेल हो गए। अब 50% लड़कियां उत्तीर्ण हैं, तो 800 की 50%, 50% 400 हो जाएंगे, 50% 400 पास हो गए और ये बाकी बचे फेल। अब हमें निकालनी है अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाले, तो 400 यहाँ पे हैं, 400 यहाँ पे, तो 800 हो गए, तो 800 टोटल है अनुत्तीर्ण, और टोटल कितने छात्र हैं? 1000 और ये 800, तो 1800 हो गए टोटल गुणा 100। परसेंट निकालें तो 100 से गुणा करना है हमेशा, तो ये आ गए 44 सही, 4/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं? अब वयस्क नहीं है उसका निकालना है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो इसमें एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2, तो इसमें कैसे करेंगे? 3:2 है, 3:2 अनुपात में, अब इसमें क्या करेंगे? 0:0 लगा लेंगे 2, जिससे कि सिंपल हो जाए थोड़ा सा। तो अनुपात में कितने भी 0 लगा सकते हैं, उसमें कोई संख्या से गुणा कर सकते हैं, तो 0:0 लगा ली 2। अब इसमें यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, ये लड़के हैं बॉय और ये गर्ल, तो 20% लड़के, इसके 20% लड़के हैं, तो 20% कितने हो जाएंगे? 10% 30 और 20% 60, तो ये 60 हो जाएंगे, ये है वयस्क, वयस्क और ये वयस्क नहीं है, तो नहीं मान लो नहीं, तो 300 में से 60 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 240, तो ये वयस्क नहीं वाले तो 240 आ गए। अब इसमें इसमें कैसे निकालना है? 20% तो इसमें था, अब इसमें 25%, इसका 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, तो 50 हो गए वयस्क, वयस्क और वयस्क नहीं वाले कितने हो जाएंगे? 50 घटा देंगे 200 में से, कितने हो जाएंगे? 150 हो गए। अब हमें निकालनी है तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं, तो नहीं वाले कितने हैं? 240 और 150, ये हो गए 290 हो गए। तो कुल छात्रों का निकालना है ना हमें, तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं, तो 390 छात्र नहीं है और कुल छात्र कितने हैं? 300 और 200, 500, 500 का निकालना पड़ेगा गुणा 100, परसेंट निकालनी तो 100 से गुणा, तो इतना हो गया। अब ये कितने बार कटेंगे? 5 बार, 5 से भाग कर देंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, तो 78% आ जाएगी, 78% आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है,
सेम क्वेश्चन है ये। अब इसमें एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है, तो कुल अंक क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें है एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, तो 33% तो प्राप्त करना था, 33% तो प्राप्त करना था, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है, तो 25% उसको मिले हैं, 33% प्राप्त करना था, 25% मिले हैं, तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है। तो अगर 33% आते तो सफल हो जाता, अब आए हैं 25%, तो कितने कम परसेंट में आए हैं? परसेंट में 7% कम आए हैं। अब हमें 40 अंक में, तो 40 अंक मान कितने का हो जाएगा? 40 मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का, 7 33 में से 25 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 8 का मान हो जाएगा ये 8, 40 कम है तो मतलब 33% से अगर 25% आ रहे हैं तो 40 कम है, तो 40 मान कितने का होगा? 8 का। अब निकालना कितना? निकालना हमें कुल अंक, कुल अंक तो 100% होते हैं, तो 100 का मान निकालेंगे। अगर हमें 33% निकालने होते पास होने के लिए तो 33 का निकालते हैं यहाँ पे, अगर हमें 25% का मान निकालना है तो 25 का मान निकालेंगे, तो 8 × 5 = 40, 5 × 500, तो 500 हो जाएंगे कुल अंक, तो ये आंसर हो जाएगा।